अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं पीपी 151 और NA 120 में मौजूद हुई, जहां पर पीपी 151 मलक हमाद वान की जानिब से पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जो है इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा, आज फिर से आपने जो है वो आपने हल्का हबाब कारकुनान को इकट्ठा कर लिया, क्या इरादे हैं जी? जी देखिए, ये इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक जो है वो हम तकरीबन हर हफ्ते ही है पुरअमन रैली करते हैं, एक एहतजाज करते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, और जो इन्होंने फॉर्म 47 पे एक गवर्नमेंट तैयार की है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं। और ये जो हमने आज एक पुरअमन ने एक रैली रखी हुई, ये खान साहब ने कल उनका एक रिटर्न ऑर्डर आया उस पर जो है वो हम आज एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन, और जिस पे हमारा एक एजेंडा है कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना है। जिस तरीके से उन खान साहब को एक डेथ सेल पे उन्होंने रखा हुआ है नजायज़ झूठे केसों में, इस नकारा दो नंबर करप्ट सिसिलियन माफिया ने, हम उनके खिलाफ जो है ये इस हलके की कौम, इस हलके का नौजवान उनके खिलाफ डट के खड़ा हो चुका है, और हम जो है वो एक एक घंटे की कॉल पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ लोग निकलते हैं। आप देखिएगा, जब हम बाहर मेन रोड पर निकलेंगे तो इंशाल्लाह खान साहब के हक़ में जो है वो रिहा करो रिहा करो, इमरान को रिहा करो के हवाले से नारेबाजी होगी, और ये मैसेज आज पूरे लाहौर में प्रोटेस्ट अमन हो रहा है। तो हम जो है वो जब तक खान साहब जेल से अडियाला से बाहर नहीं आ जाते, ये कौम और हम इंशाल्लाह चुप करके नहीं बैठेंगे। बताइएगा हालात, रिहा करो, हालात जो है, हालात जो हैं पहले से ही आपके लिए सूटेबल नहीं है। 9 मई के ना करदा गुनाह का खुमियाजा आज तक आपके कारकुनान भुगत रहे हैं, उसके बावजूद आप निकल रहे हैं। देखिए, 9 मई तो एक बहाना था, पीटीआई निशाना था, जो साबित भी हुआ जिस तरीके से इन्होंने बल्ले का निशान हमसे छीना और पीटीआई को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, और उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को वोट डाला और निशान ढूंढ ढूंढ के वोट डाला। देखें, हम ना पहले डरे थे ना हम अब डरेंगे।
9 मई जो है वो यहाँ सबको पता है कि एक प्री प्लान तरीके से हमारे वर्करों के ऊपर तशद्दद भी किया गया, नाजायज़ उनको गिरफ्तार भी किया गया। यहाँ पे भी जो है वो असीरान मौजूद हैं जो जेलों में 6-6 माह एक एक साल कैद रह के आए और आज भी वो यहाँ पे खड़े हैं। तो हम डरने वाले नहीं हैं। हमें पहले ये हमें बर्गर पार्टी कहते थे, अब हमने जेलें भी देख ली हैं, हमने इनकी मार भी खा ली है, हमने धूप छांव भी देख ली है और आगे भी जो है वो हम इंशाल्लाह हर कदम पे हर मैदान में जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए खड़े होंगे। और दूसरी बात ये है कि खान साहब ने इस वक्त जो है वो मैं आपको ये एक खबर दे रहा हूँ कि खान साहब ने PTI के वर्कर्स को उनको कह दिया कि अपनी सफ़े सीधी कर लें, किसी भी टाइम खान साहब की तरफ से ऐलान आ सकता है कि आपने बाहर निकलना है। वो 2-3 प्लान है हमारे पास कि हमने सड़कें ब्लॉक करनी हैं, हमने अड्याला जाना है या हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है या हमने डी चौक जाना है। खान साहब की रिहाई के लिए पूरा पाकिस्तान निकलने को तैयार है और ये एक मोबिलाइजेशन कम्पेन चल रही है। ईद से पहले या ईद के बाद कौम सड़कों पे होगी। एक बड़ा ही अहम सवाल आखिर में बता दीजिएगा, अगर खुदा न खास्ता आपके कारकुनान में से कोई गिरफ्तार हो जाता है तो इस जानिब से इस हवाला से पार्टी की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए? देखें पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई जा चुकी हैं जिसके जिसपे जो है अपने वर्कर के जो उनकी नाजायज़ गिरफ्तारियाँ होती हैं वो हम जो है वो फौरी उस पर जो है मुतलका थाने में जहाँ पर लेके जाते हैं हमारे वकला की टीमें वहाँ पहुँचती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि पर्चा ना हो और उससे पहले ही हम अपने वर्कर को उठा लें। लेकिन ये क्या करते हैं 9 मई के नाजायज़ एक पर्चा एक जो 96/23 एक FIR इन्होंने बनाई है उसमें सबको डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग जितने आप देख रहे हैं, ये वर्कर जितने आप देख रहे हैं, ये डरने वाले नहीं हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं, ये हर किस्म के हालात का सामना करने वाले हैं। और ये पर्चे ये जेलें ये तशद्दद ये अब हमें जो है ना इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्रिया जी, आप इस वक्त देख सकते हैं PP 151 में मौजूद हैं। यहाँ से पुरअमन तरीके जो है वो रैली का इनका किया गया है। यहाँ से रैली शुरू होगी और GT रोड तक जो है वो रैली जाएगी। मजीद भी मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।